हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए आज जानते हैं जो आईफोन में सफारी यूज होती है उसके कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक के बारे में। जैसे कि सफारी पे कुछ भी इमेजेस वीडियोस को हम डाउनलोड करते हैं तो क्या होता है, ऐसे एक ड्राइव पे वो चला जाता है कि हम उसको ढूंढ नहीं पाते, तो वो डायरेक्टली गैलरी पे सेव नहीं होता, तो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, पहले वो सेटिंग्स करते हैं कुछ। तो सेटिंग्स पे चलते हैं, सेटिंग्स, सफारी, सफारी पे चलते हैं। उसके बाद डाउनलोड्स, देखिए डाउनलोड्स पे आई क्लाउड ड्राइव और ऑन माय आईफोन लिखा हुआ है, तो आई क्लाउड ड्राइव पे टिक लगाया गया है। तो इसके वजह से क्या होता है, जो भी इमेजेस वीडियोस हम डाउनलोड करते हैं वो डायरेक्टली आई क्लाउड पे जाके सेव हो जाता है। तो उसको फ़ोन की गैलरी पे लाने के लिए हमें नीचे टिक करना होगा, उसके बाद सफारी पे चलते हैं। ओके, सफारी पे कुछ सर्च करते हैं। सपोज ये वीडियो को अभी डाउनलोड, सबके मोबाइल पे ये वाला पॉपअप मैंने जरूर आएगा जब डाउनलोड का ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे। नीचे देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। ओके, अभी इसमें क्लिक करेंगे, देखिए ये आ गया है, पर ये हमारी गैलरी पे अभी सेव नहीं हुआ है। गैलरी पे चेक करते हैं, नहीं हुआ सेव। तो उसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, जो शेयर बटन है शेयर बटन पे क्लिक करेंगे, तो इसमें नीचे लिखा है सेव वीडियो। ओके, सेव वीडियो पे अभी क्लिक करेंगे, चेक करते हैं, अभी आ गया है। ओके, ये वीडियो आ गया है। इस तरह से हम जो सफारी से इमेजेस वीडियोस को हम डायरेक्टली गैलरी पे सेव कर सकते हैं। इस ट्रिक को अप्लाई करके हम बहुत सारे हमारे फायदे हो सकता है। ओके,